दिल्ली आबकारी मामले में फंसे आप सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 6 माह से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने 1 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के इलाज के लिए बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत मांगी। सिसोदिया की उस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक खातों को ईडी ने सीज कर रखा है। दिल्ली आबकारी मामले में फंसे आप सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 6 माह से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने 1 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के इलाज के लिए बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत मांगी। सिसोदिया की उस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक खातों को ईडी ने सीज कर रखा है। दिल्ली आबकारी मामले में फंसे आप सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 6 माह से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने 1 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के इलाज के लिए बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत मांगी। सिसोदिया की उस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक खातों को ईडी ने सीज कर रखा है।